नाम का कीर्तन करना शुरू कर दो। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारद बन जाइए। कैसा नारद? वैसा पीला कपड़ा, चोटी वाला नहीं। इसी स्वरूप में जहां भी रहिए, क्या करिए, घर में रहिए, रसोई में रहिए, ऑफिस में रहिए, दुकान में रहिए, ट्रेन में रहिए, बस में रहिए, कार गाड़ी में रहिए, रस्ते गली में रहिए, जहाँ कहीं भी रहिए हरि नाम के साथ रहिए। जहाँ कहीं भी रहिए नारद बन जाइए, हरि नाम चलते रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के साथ ब्याह रचा लीजिए। क्या रचा लीजिए? भगवान के साथ भगवान को अपना पति बना लीजिए, अपना पुत्र बना लीजिए, अपना प्रेमी बना लीजिए, उनको अपना मालिक ठाकुर बना लीजिए, अपने आप को दास बना लीजिए, कोई संबंध जोड़ लीजिए। हाथ में एक माला लेके, ऐसा वाला माला झोली लेके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग के पास कौन सा झोली माला है बताओ? सबके पास एक एक पर्स है, सबके पास, माता जी लोग के पास भी है और प्रभु जी लोग के पास भी पर्स है, और उसमें कौन सा माला है? 2000 का, 500 का, 200 का, 100 का, 50 का, 20 का, 10 का, 5 का, 1 का, ये वाला माला है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, मर गया। क्या हो गया? मर गया। कल तो 5 लाख जमा किया था, मर गया। अब क्या होगा 5 लाख का? बेटा लुटाएगा। क्या होगा उसका? बेटा लुटाएगा। मर गया क्या? पत्नी अब आनंद करेंगे, बच्चे लोग आनंद करेंगे। मेहनत कर रहे, मेहनत। ये वाला माला जपेंगे कोई लेने के लिए तैयार नहीं होगा, ये साथ में जाएगा। गोलोके में प्रेम धन, हरि नाम संकीर्तन। क्या है ये? गोलोक का प्रेम धन है हरि नाम संकीर्तन। ये आपको गोलोक लेके जाएगा, वैकुंठ, भगवान के धाम लेके जाएगा। कहाँ जाएगा? भगवान के धाम। कौन सा वाला माला जपेंगे बोलिए तो जरा। पूछता चलो जो कौन से वाला जपेंगे। 1 मिनट, भगवान का नाम वाला अगर वो जपेंगे, जितने लोग हाथ उठाएंगे, भगवान का नाम वाला जो जपेंगे वही उठाए, जो नहीं जपेंगे मत उठाओ। वो 100, 500, 1000 करते रहो। और 500, 1000 वाला कौन कौन जपेंगे उठाओ पूरा हाथ।
500,000 2,000 वाला कौन कौन जपेंगे? मोदी जी का 2,000, मोदी जी का 2,000, मोदी जी का 500, मोदी जी का 200, कौन जपेंगे? कल मोदी फिर बोलेगा ये इसको हटाओ, नकली, फिर दूसरा निकालेंगे, खराब हो गया। अरे थोड़ा सा बुद्धि तो चलाओ, ये हरि नाम का माला जप के जीवन सार्थक करेंगे, नहीं तो संसार में सिर्फ मेहनत करेंगे और दुख भोगेंगे। संसार में दुख नहीं है, इसका नाम बनाने वाले ने क्या रखा? दुखाले अशाश्वतम, दुखों का आलय है, मृत्यु लोक है और अशाश्वतम है। सच्चा नहीं है, झूठा है, ऐसा है, सच्चा नहीं है, झूठा है, सब झूठ बोल रहे हैं, झूठे लोग हैं, सब झूठे हैं, मुंह के ऊपर मुखौटा है सबके ऊपर, आईने के एक एक आईना लेके घूम रहे हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक शब्द पे अटकाओ, भगवान ने अटकाया हुआ है, क्या कह रहे हैं? सच्चिदानंद रूपा है, सत्चित और आनंद का स्वरूप है, सच्चे बनिए, अच्छे बनिए, क्या बोलते हैं? सच्चे बनिए और अच्छे बनिए, ऐसा बोलते हैं क्या? झूठ बोलिए और अच्छे बनिए, ऐसा बोलते हैं? लेकिन कर तो वही नहीं। तो भगवान की तरह सच्चा बनना चाहिए, मंगल मूर्ति बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए? मंगल मूर्ति। लेकिन हम इसके विपरीत अमंगल मूर्ति बन के घूम रहे हैं। सामने के फ्लैट वाला सामने के फ्लैट वाले से बात नहीं करता है, भाई ठग लेगा। एक सोसाइटी में आपस में सब लोग बात नहीं करते, एक घर में सब लोग आपस में बात नहीं करते, कौन किसको ठग लेगा, कौन किसको छल लेगा, धोखा दे देगा, सब झूठ का आएगा लेके घूम रहे। तो कैसे बनना है? भगवान की तरह हमें सच्चा बनना है, सरल बनना है, तब राम जी मिलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते इसके लिए ज्ञान चाहिए, गीता भागवत रोज पढ़िए, भक्तों का संग करिए, सत्संग में सरल होके जाइए। कैसे जाइए? सरल होके जाइए, जो कुछ भी है भगवान की सेवा में लगाइए, नहीं तो लूट लेंगे आपके अपने, लूट लेंगे आपके अपने। आंख बंद हुआ सब चेन, चूरी, कंगन, गले का चेन, पर्स में का पैसा, सब पुत्र परिजन लूट लेंगे। क्या करेंगे? मारा मारी करेंगे, झगड़ा करेंगे। सच है झूठ है? तो ज्ञान होना चाहिए। मूर्ख जैसे जी रहे हैं। कैसे जी रहे? मूर्ख जैसे। क्यों जी रहे? भागवत नहीं पढ़ते। क्यों जी रहे? गीता नहीं पढ़ते, और पढ़ते भी हैं तो समझते नहीं, और समझ भी गए तो जीवन में नहीं आ रहा है, इसलिए ही दशा है। तो परम ज्ञानी बनिए, लेकिन इसके लिए शरण लीजिए कोई गुरु जी का। किनका शरण लीजिए? कोई गुरु जी का शरण लीजिए, जो खुद भी कृष्ण भक्त हो, खुद कृष्ण की सेवा में अपने आप को अर्पित कर चुका हो और आपको भी लगाने का कोशिश कर रहा है। ये प्रयास आप सबको बुलाने का जो आयोजन है, जो मेहनत परिश्रम है, जो आनंद है, वो किस लिए है? आप सब भगवान के भक्त बनिए। क्या बनिए? भगवान के भक्त बनिए, संसार के दास और गुलाम मत बनिए। ये कागज के गुलाम बन गए हैं, चार टुकड़ा जमीन के गुलाम बन गए हैं। और बूढ़ी माँ कहती है कि ऐसे पुत्र होने से तो अच्छा था कि मेरा कोख सूना रह जाता था, जो हमें पूछता नहीं। ऐसे ज्ञान हम लोगों ने अर्जित किए हैं कॉलेज में, स्कूल में, लंदन में, अमेरिका में। यहाँ से जाते हैं वहाँ, माँ बाप रोते हैं, यहाँ वो वहाँ करते हैं मजा, यहाँ भुगतते सजा। ऐसे ज्ञान का धंधा है, ये सब मूर्ख लोग हैं, महाघोर अज्ञान है। तो परम ज्ञान क्या है? भगवान का भक्त बनो, भजन करो, भजन करो, भजन करो भाई, हरि नाम सुखदाई,
हरि नाम सुखदाई। ये संसार भयंकर दुखदाई, भजन करो भाई। समझ गए कि नहीं समझ रहे? नौ मन लकड़ी में जल जाएंगे, नौ मन लकड़ी में जल जाएंगे। चार दिन बारिश होगा तो गल जाएंगे, चार दिन धूप होगा तो फूलों की तरह कुमला जाएंगे। ये शरीर के पीछे मत लगिए, भगवान की सेवा में जीवन लगाइए और निरंतर हरि नाम करिए। ये करेंगे तो शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, पाप कटेगा, भगवान की सेवा में लगेंगे और परम धाम को जाएंगे। जैसे अनेक अनेक इस जगत के सरल भक्त गए धाम में, तो क्या करेंगे? बोलिए ना, बोलते क्यों नहीं? बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भगवान ने आप सबको इस जेल में आजाद छोड़ा है। ये जो बड़ा जेल है ना संसार, इसमें आजाद है आप सब। क्या है ये? जेल है, जेल। समझते हैं क्या जेल वालों में? एक छोटा जेल रहता है 200 फुट बाय 200 फुट का, या 1 एकड़ का, या 2 एकड़ का। एक संसार पृथ्वी का जेल बनाया। यही रहो, यही दुख भोगो, यही मेहनत करो, यही झगड़ा करो, यही हॉस्पिटल में पड़े रहो। और हम सब भी एक नए दिन जाने वाले हैं। आनंद से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हमें पता है, भगवान ने कहा है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जिसका जन्म हुआ है मरने वाला है, मरने से पहले जरा बुढ़ापा आएगा। देखिए प्रभु जी को पूछिए, बुढ़ापा अच्छा लग रहा है कि दुख दे रहा है? कितना चलता नहीं हो रहा है, बैठता नहीं हो रहा है, दिखता नहीं, सुनता नहीं, बोल नहीं सकते। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि, व्याधि मतलब हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। बड़ी दुख होगी, हाथ काट देंगे, पेट काट देंगे, पैर काट देंगे, नली से खाना पानी दाना चढ़ाएंगे, दुर्दशा कर देंगे। जनिया सुनिया विषय है नहीं, जाना जाना अच्छा अच्छा है सुना। और फिर क्या कर रहे नहीं यार, चलो किसी को छल करते, धोखा देते, लूटते, चोरी करते, धोखा देते, मांस खाते, दारू पीते, बेविचार करते, अनेक प्रकार के पाप करते। इसको कहते जनिया सुनिया, जानबूझ के विषय खाया। विषय मतलब विष खाया, खुद अपने आप को मारते जा रहे। तो भगवान क्या कह रहे? सच्चिदानंद स्वरूपाय, सच्चिदानंद का स्वरूप है, हम उनके अंश हैं, हमें वैसा बनना चाहिए। ये हमारा गौरव है। क्या ये हमारा श्रेष्ठ उपाधि है, उपलब्धि है, यही जीवन का लक्ष्य है। इससे ऊंचा कुछ भी नहीं कि घर में सब भगवान भक्त है। मेरा बेटा भगवान भक्त है, मेरा भाई भगवान भक्त है, मेरा पत्नी भगवान भक्त है, मेरे रिश्ते, इससे ऊंचा कुछ भी नहीं। कोई भक्त नहीं है, सब भोगी है, सब रोगी है, सब भोगी है। जो होते भोगी तो बनते रोगी, तो बड़ा भयंकर स्थिति है। तो सबको भक्त बनना चाहिए। अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए परम ज्ञान का, गीता भागवत रामायण का, भक्त माल उपनिषद का। भक्त बनाइए, भक्त बनाइए, भक्त बनाइए। क्या बनाइए? भक्त बनाइए। तो भगवान बड़े हम सबके सुहृद हैं, हितैषी हैं, इसलिए क्या कह रहे? हमारे जैसे बनो। ये संदेश दे रहे हैं, कह रहे कि सच्चित और आनंद का स्वरूप बनो, सच्चा ज्ञान लो, भागवत में डूब जाओ, गीता में डूब जाओ। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हरि नाम में डूब जाओ। किसमें डूब जाओ? ये सब भी भारी लगता है, बोझ लगता है, तो गाओ। कैसे गाओ? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
करिए, नाचिए, आनंद करिए, तो ये आनंद में डूबना ये जीवन का असली सफलता है, ये जीवन का सबसे बड़ा उपलब्धि है, बाकी सब बेकार है, श्रम में वही केवल मेहनत कर रहे हैं, तो टाइम खाने के लिए, कुछ साल जीने के लिए। बुद्धिमान वही है जो देर नहीं करता, बुद्धिमान वही है जो देर नहीं करता, और जो लोग बहुत जरूरत से ज्यादा चालाक है, बुद्धिमान नहीं चालाक, वो कभी जल्दी नहीं करता, वो कभी जल्दी नहीं करता, बहुत विचार में रहता है। जैसे उस सरल भक्त के गुरु जी थे, बड़े विचार करके एक एक काम करते थे। तो भैया सरल हो जाओ, नाचो गाओ, आनंद मनाओ, यही है सच्चिदानंद स्वरूप। क्या है सच्चिदानंद स्वरूप? क्या है? सरल बन जाओ, सच्चा बन जाओ, परम ज्ञानी बन जाओ, गीता भागवत को सीने से चिपकाओ, माथे पे लेके घूमो, और बाकी सबको गंगा जी है, समुद्र है, अनेक अनेक नदी उसमें डुबाओ, भगवान के भक्त बन जाओ। यही जीवन का आनंद है, यही जीवन का सार है, यही जीवन का श्रेष्ठता है, यही जीवन का परम लक्ष्य है, यही जीवन का श्रेष्ठ उपलब्धि भी है। तो मैं निवेदन कर रहा हूं आप सबसे कि भगवान के नाम का जप करिए, एक एक माला ले लीजिए, जहां से भी आपको इच्छा है, यहाँ भी है, गीता है, माला है, जप करने का बताने के लिए बहुत सारे भक्त लोग हैं। अगर यहाँ से नहीं लेना है, आपके मन में विचार आएगा, क्योंकि आप लोग चालाक है, परम बुद्धिमान में चालाक है कि ज्यादा पैसा ले लेंगे, तो बाहर कहीं से ले लीजिए और रोज भगवान के नाम का कीर्तन करिए, जप करिए, और भगवान जैसे सच्चे बनने का प्रयास करिए, अच्छे बनने का प्रयास करिए, मंगलमुखी बनिए। तो ये पहला जो शब्द है उसमें आज ये कथा भगवान ने रोके रखा है। भगवान की ये महिमा है, भगवान का ये एक गुण है कि उनकी लीलाओं का अंत नहीं होता जल्दी। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, तो हरि की कथा अनंत है। एक शब्द में महात्मा लोग ऐसे सुना है मैंने, इस सच्चिदानंद स्वरूप में एक एक महीना बोलते रहते हैं, एक एक महीना ऐसे भगवान की दिव्य गाथा है। तो भगवान जैसे बनने का प्रयास करिए, मतलब सच्चा, सरल और आनंद में रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप तो उस कड़ाही की तरह है जो कई महीने से लकड़ी के नीचे ऊपर जला है और काला काला हो गया है, हंसते ही नहीं हो, मुंह का पट खुलता ही नहीं है, एकदम जले भुने सड़े गले टमाटर की तरह रहते हैं। तो कैसे जीना है आनंद में, और कैसे सच्चा, सरलता, और कैसे ज्ञान के साथ, ये जीवन का सार है। और इसके लिए सबसे पहला उपाय क्या है? हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम एव केवलम, कलौ नास्ते गतिरन्यथा। हरि का नाम और सर्व हरि का नाम, इस कलियुग में और कोई उपाय नहीं, कोई दूसरा गति नहीं। तो हरि नाम करेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि भगवान ने अपने पूरी नाम की शक्ति हरि नाम में डाला है। और हरि नाम बोलना, हरि नाम सुनना, हरि नाम कहना, हरि नाम का मनन करना, हरि नाम का चिंतन करना, हरि नाम में डूबे रहना, सब एक ही है। या तो जप करते रहिए, या मनन करते रहिए, या चिंतन करते रहिए, जगन्नाथ कितने सुंदर लग रहे, रास में हरि कितने सुंदर लग रहे, संसार में कोई इतने सुंदर है क्या?
फिर भी दीवाने संसार के हम सब इनके नहीं हो रहे। ये बुद्ध लोगों का पहचान है, ये मूर्खता का पहचान है, समझ गए। तो क्या करना है अभी से, क्या हमें करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन सावधान रहिएगा, सावधान रहिएगा, चेहरे के ऊपर चेहरा लेके लोग घूम रहे हैं। अगर कोई ये कहेगा मैं ही आपको भगवान दे सकता हूँ तो बच के रहिएगा, मेरे पास ही आओ तो बच के रहिएगा, ऐसे बहुत सारे लोग संसार में घूम रहे हैं जो क्या कहेंगे, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं आपको भक्त बना सकता हूँ, मैं आपको भगवान दिखा सकता हूँ, मैं आपको भगवत धाम भेज सकता हूँ। ऐसे होता नहीं, ये सब भगवत कृपा से प्राप्त होता है, कोई गुरु कोई संत कोई महात्मा की कृपा से प्राप्त होता है, जो बड़े शुद्ध पवित्र हैं। तो बच के रहिएगा, और हरि नाम कहीं भी किया जा सकता है।